हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन आरजे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं अभी हूं अपने घर में और आज का वीडियो ना बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा मोमेंट, ऐसा वीडियो हम कभी भी बनाए नहीं है। ऐसा वीडियो कोई भी नहीं है मेरा। फर्स्ट टाइम मेरे मम्मी पापा के साथ ये वीडियो है। सो आप लोग देख रहे हो तो पूरा देखना। और पापा को पहली बार कैमरे में ला ही लिए हम, और बहुत अच्छा लगा मुझे। सो आप लोग वीडियो देख रहे हो, पूरा देखना प्लीज़ गाइस। चलिए वीडियो देखिए आप लोग। तो गाइस, आज हमको निकलना पड़ेगा घर, कुछ नहीं बच्चा, और मायरा को छोड़ना पड़ेगा, मतलब मिस करेंगे मायरा को। छठ पूजा के लिए जा रहे हैं गाइस, बहुत मम्मी बुला रही है, और जाना तो पड़ेगा ना, छठ पूजा हो रहा है घर में और मम्मी बोल रही थी। सो आज है 26 तारीख और आज निकलना पड़ेगा। सो चलिए मिलते हैं, नहीं आज 27 है सॉरी, और सबको मिस करेंगे। आई लव यू बेटा। अभी निकल लेंगे कुछ देर के बाद, और अभी हम और मायरा जा रहे हैं दुकान, है ना बेटा? तो चलिए बाय, और मिलते हैं घर में। पापा भी आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपको कुछ ही देर में, मतलब यहाँ से 45 मिनट मान लो, तो 45 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। दोस्त आ रहा बाइक लेके, फिर मिलते हैं आपको। और हम लोग पहुँच चुके हैं दुकान, हम और मायरा। तो चलिए मिलते हैं, दोस्त आने तक वेट करते हैं, उसके बाद फ्रेश होना और जाना है, क्योंकि मम्मी भी बहुत फ़ोन कर रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। चलिए अभी के लिए बाय। तो अभी घर के लिए निकल ही रहे थे और आंटी बोलने लगी खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ। तो दोस्त आ गया मेरा और भाभी खाना निकाल रही है। हाँ, जो बैठे आप मेला में गए। हाँ, तो अभी बस खाना खा के निकलेंगे। हम निकलेंगे, ये नहीं खाएगा, नहीं हम खाएंगे। सो अभी जाएंगे, फिर मम्मी से मिलवाते हैं, पापा से मिलवाते हैं। पापा से थोड़ा सा हमको डर जैसा लगता है, लेकिन कैमरे में लाएंगे। पापा आए हुए हैं मेरे, बहुत दिन के बाद आए, मतलब 3-4 महीने तो हो ही गया। तो चलिए अभी घर जाने के लिए रेडी, मेरा बैग भी पैक हो गया। सो अब होगा बाइक ड्राइविंग, और हमारे भैया ही हमको भगाना चाह रहे हैं हमेशा के लिए, जल्दी निकल ले बोल रहे हैं, निकलो निकलो निकलो, मतलब इतना बार बोल दिया ना, जितना बार कोई नहीं बोला होगा घर में। तो चलिए निकल रहे हैं, कर दिया बदनाम कुछ ही देर में, बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया, बदनाम करे मिलियन खुशी। अच्छा, बदनाम कर दिया हमको, क्या बदनाम किया भाभी जानते हैं? बोल रहा है कि हम इसको भगा दिए घर से, इतना बार भगाए हैं कि इतना कोई नहीं। चलिए कुछ ही देर में, ऐसा होते रहेगा भैया के साथ, काहे होते रहे। ठीक है भैया, जा रहे, चलो। तो गाइस, हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मम्मी नहीं है, मम्मी गई है मार्केट कुछ लेने के लिए, पता नहीं क्या लेने गई है। यहाँ पे नानी न्यू वाले घर में, और हेलो करो नानी। हेलो तो ये हमारी नानी है, और जब पहले उस टाइम आए थे यहाँ पे नानी नहीं थी मेरी। हाँ। गई थी अपने ससुराल ना नानी, न ससुराल नहीं, क्या बोलता है मार्केट, नेहरा अमृता एक लड़की है, वो वीडियो बनाती है। हाँ। मतलब वो अच्छी वीडियो बनाती है वो भी, और नानी के क्लोज है वो, तो वो बोल रही है अमृता के घर। हाँ, भतीजी लागल छोड़ी छोड़ी। और अभी मम्मी आती है तो मिलाते हैं, अभी कोई नहीं है घर में, सिर्फ नानी है और बहन है जो कि सोई है। तो चलिए मम्मी आती है, आप लोग को मिलाते हैं मम्मी से कुछ ही देर में। आ रही है, मार्केट गई है, और पापा भी आए, पापा से भी मिलवाते हैं। भाई पापा से बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं। पापा गेल हो, मिलवा करो। चलिए कुछ देर में मिल रहे हैं।
तो गाइस मम्मी गई थी सो मतलब दुकान तरफ मतलब मार्केट गई थी। क्या क्या खरीदे मम्मी? सब कुछ। क्या पूजा के सामान। तो कल कद्दू भात और मम्मी कद्दू खरीद लिए। हाँ कद्दू खरीद लिए। कद्दू भी खरीद लिए मतलब कल है तो सुबह से दाल खरीद लिए, सब मसाला खरीद लिए। हाँ सब कुछ खरीद लिए और पापा भी आए हुए हैं। हाँ। तो आप लोग को पापा से भी मिलवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं पापा से और उनसे बातें करते हैं। क्या होगा पता नहीं, लेकिन पापा को ब्लॉग में मैं कभी बोलते हुए नहीं देखा हूँ। एक बार ब्लॉग में जब भाई पटना में था तब, और घर का थोड़ा सा हालत ठीक हो गया, जैसे कि ये दरवाज़ा वगैरह पेंट कर दिए, इधर भी किया क्या इधर मतलब, और पूजा वाले घर में भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और मैंने रिंग लाइट लाया था यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि मतलब यहाँ से लाइट दे सकता है। ये मेरा पुराना घर है लेकिन बहुत मस्त घर है, मैं इस पर अपना बचपन पूरा बिताया हूँ इस घर में। मतलब बहुत कुछ यादें जुड़े हुए हैं घर से, मतलब बहुत कुछ। तो चलिए मम्मी चलिए पापा से मिलवाते हैं पहले, और मम्मी का पूजा घर दिखा देते पहले। आइए मम्मी। और इस घर को, ये है पूजा का घर। आए पूजा के घर में थोड़ा सा और, तो यही है मेरा पूजा का घर। इसमें मैं छठ मतलब मनाया जाता है। मम्मी यहाँ पे सोती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे सोती है मम्मी। वो जो मतलब नेवारी नहीं जानते हैं, वो नेवारी बिछा के यहाँ पे सोती है। और यहाँ पे बनता है पकवान, हुआ मतलब पकवान वगैरह यहाँ पे बनता है। सो ये है मम्मी। पकवान फेंकूंगा। हाँ लड़का सब कुछ यहीं पे चढ़ता है। हाँ। यहीं पे बनता है मतलब सॉरी। और ये घर थोड़ा सा अच्छा कर दिया मम्मी पहले। हाँ, अच्छा। तो चलिए चलते पापा से मिलवाते हैं। चलो मम्मी मेरे को डर लगता है। ब्लॉग में कभी नहीं लाया, और पापा देख सकते पीछे कैसा, मतलब वीडियो से मतलब कभी भी नहीं बनाया कोई भी मेरे, मतलब तो वीडियो में आने में थोड़ा सा ये होता है। वैसे ठीक है शर्ट क्या है, हम लोग जैसे हैं तैसे दिखाओ। मतलब पापा सीआरपीएफ है हमारे, और अभी श्रीनगर में रहते हैं, तो कल परसों ही आए। ये हमारे पापा मम्मी है। मैं आंख कर रही हूं, कट गया था पापा मम्मी कुछ। पापा मम्मी के देखते ही देखा कल बस रत गया। तो क्या बोले ये तो, छठ का तैयारी हो रहा है। पापा भी छठ में आए हैं और हम लोग भी आए, सब लोग मतलब छठ में सब। हमारे पापा जी जो कि श्रीनगर से आए हैं, श्रीनगर ना पापा। हाँ, पापा कुछ बोले नहीं, जम्मू काश्मीर बोल ना भाई। बोलो बोलो ना बोल ना घर जम्मू काश्मीर। हमें तो भाषा बोला ही देहा दिए के कुछ बोलिए तो बना है। मम्मी बारे बताओ के पुरना पे परम कर कुछ बोलिए तो। जम्मू काश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इनका ड्यूटी है। वहाँ से सफर करके एक दिन लगता है ना होगा, एक दिन फ्लाइट से आते हैं, हेलीकॉप्टर से। हाँ उसी को फ्लाइट बोलते हैं मम्मी।
सो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल है कद्दू भात, कल कद्दू भात है। कल के ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, और मम्मी खरीद के लिए ले आई कद्दू, और चलिए कल मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग में।